हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी लैपटॉप या कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि ये वो काम करेगा या नहीं, तो आइए जानते हैं। तो शायद आपके जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें 4 से 5 यूएसबी पोर्ट हो, पर अगर एक काम ना कर रहा हो तो चलता है, पर अगर सारे काम ना कर रहे हो तो आपको अंदर से सेटिंग ऑन करनी पड़ती है, शायद आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वो बंद हो, तो कौन सी आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है, चाहे आपके पास पीसी हो या लैपटॉप, दोनों में सेम ही ऑप्शन रहेगा। फिर आपको यहाँ पे दिस पीसी या माई कंप्यूटर दिखाई देगा, तो आपको इस पे करना है राइट क्लिक। फिर आपको यहाँ पे दिखाई दीजिएगा मैनेज, तो आपको मैनेज पे आना है। मैनेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा डिवाइस मैनेजर, आपको इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी इसके कई सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जेनेरिक यूएसबी हब, फिर 3-4 यूएसबी हब दिखेंगे और नीचे की साइड यूएसबी हब दिखेंगे। तो ये सारे मेरे अनेबल हैं, पर अगर आपको डिसेबल होंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। आपके पे ये वाला एरो बना हुआ आएगा कि जो डाउनलोड वाला एरो आपको दिखाई दे रहा है आपको नीचे की साइड, अगर आपका यूएसबी हब यानी बंद है तो आपको ये एरो बना आएगा, आप इसे अनेबल कर सकते हैं। आपको इस पे क्लिक करना है और इसे अनेबल कर देना है और फिर आपके सारे यूएसबी पोर्ट चालू हो जाएंगे और आपकी यूएसबी पोर्ट काम करने लग जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।